हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अक्षय शेख है। आई वर्क एज एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन इन अ मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली। आई एम ऑल्सो द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन सॉलिडारिटी फाउंडेशन विच रन्स द ओखला कोविड हेल्पलाइन। इन एडिशन आई ऑल्सो वर्क ऑन कोविड वैक्सीनेशन एंड ऑन कोविड रिसर्च। ये बैकग्राउंड इसलिए देना ज़रूरी है ताकि थोड़ा सा ये समझ में आए कि आई एम स्पीकिंग ओवर हियर एज एन एक्सपर्ट ऑन द टॉपिक। नाउ सेकेंड वेव ऑफ कोविड जो है वो आज हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में उसने तबाही मचाई हुई है। रोज़ 2 से 3 लाख नए केसेस निकल के आ रहे हैं और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं उनकी जाने जा रही हैं। उसी तरह हम देख रहे हैं इन अ लॉट ऑफ हेल्पलाइंस ऑन सोशल मीडिया कि लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बेड्स अवेलेबल नहीं हैं, खासतौर से ऑक्सीजनेटेड बेड्स या ICU बेड्स। उसके अलावा लोग जो हैं वो परेशान हैं ऑक्सीजन सप्लाईज के लिए, लोग परेशान हैं ड्रग्स के लिए। एंड जहां ड्रग्स की बात हो रही है तो लोग बिल्कुल परेशान की हद तक पहुंच चुके हैं, जहां तक ड्रग्स लाइक रेमडेसिविर, फैबीफ्लू, टॉक्लिजुमैब या इन सारी दवाइयों के नाम आपने सुने होंगे। उसी तरह आपको भी बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे जिसमें लोग जो हैं वो प्लाज्मा डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एज समवन हु हैज़ बीन वर्किंग ऑन कोविड फॉर द लास्ट 1 ईयर, लेट मी टेल यू दिस कि अ लॉट ऑफ रिसर्च हैज़ बीन डन ऑन दीज ड्रग्स ऑन प्लाज्मा ऑल्सो। और हमने ये देखा है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है उसको देने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जी, आपने ठीक सुना, जो प्लाज्मा थेरेपी जो शायद आपके डॉक्टर लिख रहे हैं या जिसके लिए आप भी अपने डॉक्टर को शायद बोल रहे हो, उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। ये एक हार्ड फैक्ट है, इसको हमको एक्सेप्ट करना होगा। उसी तरह जहाँ तक रेमडेसिविर, टॉक्लिजुमैब या बाकी दवाइयों का सवाल है, तो इनमें से जो अक्सर दवाइयाँ हैं उनमें पाया गया है कि इनसे मरीज को या तो कोई फ़ायदा नहीं होता या बहुत ही हल्का सा फ़ायदा होता है इन रिड्यूसिंग दी स्टे इन द हॉस्पिटल और समथिंग। बहुत ज़्यादा मॉर्टैलिटी में कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि उसमें से ऐसा नहीं है कि ये दवाई के 6 इंजेक्शन आप लगा देंगे तो आपका पेशेंट बच जाएगा या नहीं लगाएंगे तो आपका पेशेंट नहीं बचेगा। इस गिल्ट के साथ प्लीज़ मत जिए। आज अनफॉर्चुनेटली लोग ये कह रहे हैं कि किसके लिए कोई इलाज अवेलेबल नहीं है, तो हम जो चाहें वो ट्राई कर सकते हैं या हम जो चाहें वो मरीज़ को लिख के दे सकते हैं, पेशेंट के रिलेटिव्स को लिख के दे सकते हैं। तो प्लीज़ इस ट्रैप में मत फंसिए। प्लीज़ यूज़ द एविडेंस, यू नो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डॉक्टर्स। जस्ट बिकॉज इट्स अ क्राइसिस सिचुएशन, एमरजेंसी सिचुएशन, इट डज़ नॉट गिव यू अ लाइसेंस टू प्रिस्क्राइब एनीथिंग दैट यू वॉन्ट, यू नो, जस्ट बिकॉज यू थिंक दैट इट्स वर्किंग, एस्पेशली वेन देर इज एविडेंस दैट इट इज़ नॉट वर्किंग। तो ये हमेशा मैं कहती हूँ कि ताली इसमें दोनों हाथों से बज रही है। इसमें डॉक्टर्स की तो दिक्कत है ही है, इसमें मरीजों की भी परेशानी है। अक्सर हम डॉक्टर से सुनते हैं कि मरीज को ये नाम पता है और वो डॉक्टर्स को कहते हैं कि आप मेरे मरीज को रेमडेसिविर क्यों नहीं दे रहे, या वो आपको इवन वायलेंट भी हो जाते हैं। तो ऐसे में मेरी रिक्वेस्ट डॉक्टर से भी है, मेरी रिक्वेस्ट पेशेंट से भी है कि ये जो सारी दवाइयाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी तो हैं ही लेकिन इन इफ़ेक्टिव भी हैं, इनको प्लीज़ प्रिस्क्राइब करना बंद कीजिए। प्लीज़ अपने डॉक्टर्स को प्रेशराइज़ करना बंद कीजिए कि वो इन दवाइयों को आपको दें। प्लीज़ इनके पीछे भागना बंद कीजिए, इनके लिए ब्लैक मार्केटिंग करना बंद कीजिए, इनके लिए दुगनी तिगनी कीमत देना बंद कर दीजिए। आप ये जितना करेंगे उतनी ही ज़्यादा ये दवाई रेयर होती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा दवाई महंगी होती जाएगी, और वो भी ऐसी दवाई जो काम नहीं कर रही है। आज अगर हम किसी भी शायद छोटे बच्चे को भी पूछें कि बताइए कोविड का इलाज क्या है, तो वो रेमडेसिविर कहेगा, वो ऑक्सीजन नहीं कहेगा, वो एंटीकोएगुलेंट्स नहीं कहेगा, है ना, वो स्टीरोइड्स नहीं कहेगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हम सुन रहे हैं आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, ये उससे यही समझ में आ रहा है कि रेमडेसिविर एक रामबाण इलाज है, जबकि वो इफ़ेक्टिव ही नहीं है अब तक की स्टडीज़ में, तो हम यही कह सकते हैं। तो प्लीज़ इस सिचुएशन में रेमडेसिविर के लिए या प्लाज्मा के लिए या टॉक्लिजुमैब या फैबीफ्लू, इन सब दवाइयों के लिए पैनिक मत कीजिए। इसका इलाज बहुत ही सिंपल है, इसका इलाज बेसिकली ऑक्सीजन है, स्टीरोइड्स हैं, एंटीकोएगुलेंट्स हैं एंड क्रिटिकल केयर या ICU केयर है। जहाँ तक हो सके माइल्ड केसेस में आपको ये कोशिश करनी है कि आप घर में ही रहें, अपना इलाज करें। हम ओखला कोविड हेल्पलाइन मैनेज कर रहे हैं जो ओखला के लोगों के लिए हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से हम इसमें कॉल ले सकते हैं। इसका नंबर है 9971736222। प्लीज़ इस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे डॉक्टर विद इन 1 आवर आपसे बात करेंगे, वो आपको सही सलाह भी देंगे, उसको आप फॉलो कीजिए, घर पे रहिए, होम आइसोलेशन कीजिए। और साथ ही जो लोग अभी बीमार नहीं हैं, जिनके फैमिली मेम्बर्स में लोग बीमार नहीं हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़
वॉलंट्रीली जो है बाहर जाना बंद कीजिए, वॉलंट्रीली मास्क पहनिए, डोंट वेट कि कोई चलान काटेगा आपका तब आप मास्क पहनेंगे, वॉलंट्रीली मास्क पहनिए और कोशिश करिए कि एटलीस्ट अगले 2-3 हफ्ते तक अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें ताकि इस डिज़ीज़ को जो है ये जो सेकेंड वेव आई है इसको हम काबू में ला सकें। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, जब वो अपने लोगों को अपने आँखों के सामने जो है दम तोड़ता हुआ देख रहे हैं। तो इसमें प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए, और मदद आप कर सकते हैं घर में रह के, मदद आप कर सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन को ना स्प्रेड करके, मदद आप कर सकते हैं खुद अपना ध्यान रख के। तो यही एक छोटा सा मैसेज मुझे आप लोगों को देना था। अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपके कमेंट्स हों, सवाल हों, इस वीडियो के नीचे आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं एंड वील ट्राई एंड गेट बैक टू यू विथ ऑल दिस। प्लीज़ रिमेंबर इस इन योर प्रेयर्स एंड अल्लाह हाफिज़।